इतना घटी, तमाम लोग उसके दरवाजे पर अच्छे। अभी लेटेस्ट एक मिसाल थे, घाटमिका में घटना घटी, नासिर जुनैद, भीड़ लगा हुआ था, तांता मुस्लिम लीडरों का, फ़ोटो खिंचाने का, कंपनसेशन का, छोटा मोटा ऐलान करने का, भाषण करने का। अब आप जाइए वहाँ पर, सन्नाटा है घर में, मातम पसरा हुआ है, मौका। कंपनसेशन जो सरकार ने ऐलान किया था वो भी नहीं मिला, ये एक बड़ी बात। दूसरी बात है कि मुजरिम अब तक गिरफ्त से बाहर है। ये मसला सिर्फ एक दो जगह नहीं है, ये जो फॉरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस बना, ये इसी मकसद से बना था। और इस पर हम लोग मुस्तकिल दौरा किए, तमाम विक्टिम के मैंने पीड़ित परिवार के घर पहुँचे, तहकीक किया और अंदाज़ा लगाया कि अच्छा ये होता है। मैंने चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, और जैसे शांत होता है ये जो गिरोह है ये फिर एक घटने को अंजाम दे देता है। फिर आप चर्चा करते रहिए, दो चार दस दिन के बाद फिर शांत हो जाएगा, फिर एक अंजाम देगा। अभी जो छपरा में हुआ है, लेटेस्ट बता रहा हूँ, छपरा में ये तीसरी घटना मॉब लिंचिंग की, और तीनों एक ही अंदाज में, एक ही गिरोह, एक ही नारा, एक ही झंडा, एक ही मैंने इल्ज़ाम। तो ऐसे में अब हम कभी सेकुलर और कॉम्युनल के चक्कर में पड़ते हैं, कभी हम मोदी का विरोध करते हैं तो सेकुलर पार्टियां सोचती हैं कि मेरे फेवर में आ रहा मामला, यानी कांग्रेस खुश, नीतीश खुश, तेजस्वी खुश, अखिलेश खुश। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे अब राजस्थान में घटना घटी तो कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में अभी दो घटनाएँ घटी, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन के साथ, और इसी तरह से बिहार में घटना घटी। तो हम दलगत भावनाओं से हटकर सीधी बात करते हैं कि इस तरह की घटना पर लगाम लगाने के लिए जब तक एक मजबूत कानून, ऐसा कानून जिसमें सरकार पर भी बड़ा दबाव, उसमें हमने डिमांड वाजबता मेमोरेंडम में दिया है। इससे पहले ये तीसरा चौथा मेरा धरना है, हम धरना भी देते रहते हैं, विक्टिम परिवार के पास भी जाते हैं, स्टेट वाइज अहमदाबाद में गए, वहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लखनऊ में किया, गोरखपुर में किया, रांची में किया, मुस्तकिल भाग रहे हैं हम लोग। सरकार से कहते हैं पीड़ित परिवार को सरकार के मैंने खजाने से 1 करोड़ रुपया कम से कम मिलना चाहिए, सरकार के खजाने से। बाकी जो लोग देते हैं वो अलग, और वो टैक्स फ्री होना चाहिए। दूसरे, जो समूह के द्वारा मारा जा रहा, तो इस वीडियो के चक्कर में जो भीड़ तंत्र है उसमें क्या होता है, बचने के रास्ते निकल जाते हैं अदालत में, चूँकि अदालत की कार्रवाई इतनी लंबी चलती है कि वो कैमरे के फ्रेम में जी दाएं था तो वो बाएं था, तो वो उल्टा था, तो उसके हाथ में हथियार नहीं था, इत्यादि इत्यादि। हमने ये डिमांड किया, हथियार रहे ना रहे, चाहे तुम दाएं खड़े रहो या बाएं खड़े रहो, उस भीड़ के अगर हिस्सा हो, उस फ्रेम में अगर आ गए कैमरे में, सब पर मुकदमा चलेगा और फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये एक बात हो गई। तीसरे अहम मांग है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, जो कांग्रेस ने लाया था उस ज़माने में एससी एसटी को सोशल और लीगल मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे बड़ा बेनिफिट मिला, ये नहीं कहेंगे कि नहीं मिला, उस कानून के आने से इस तमाम कुंबे को यानी एससी और एसटी को एक भरोसा मिला कि हमको कोई मारेगा, गाली देगा, सताएगा तो हम इसका सहारा ले सकते हैं, और लोग डर भी रहे हैं, एक डर बना। तो हम लोगों का डिमांड है कि उसी टाइप का एक एक्ट जो है आप बनाइए और उसमें मुसलमानों को शामिल कीजिए। अब मुसलमानों में फिर सेक्शन वाइज हो रहा, तो ठीक है भैया, मुसलमानों में अगर पूरे मुसलमान को अपने शामिल करेंगे तो पसमानदा मुसलमान शामिल कीजिए, बड़ा अच्छा आपके पास स्लोगन चल रहा है और हम हैं ही पूरा समूह। तीसरा, कि किसी को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, तो उसी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में एज इट इज़ जो जातियाँ इधर की हैं वो जातियाँ इधर की आप शामिल कर दीजिए, खेल ख़त्म। कम से कम वो बिरादरियाँ जो सड़क पर मुर्गा, मछली, रेड़ी पटरी, हल्दी, मर्च, मिर्चा, धनिया और सब्जी जो बेच रही है, जो टायर पंचर बनाने वाले लोग हैं सड़क पर खड़े, उनके साथ ही तो एट्रोसिटी हो रहा है अक्सर, वो रईस लोगों के साथ। तो अब तक मॉब लिंचिंग में कोई अरबपति खरबपति मारा गया क्या? क्या कोई नहीं मारा गया, इल्ला माशाल्लाह एक पूना का मॉब लिंचिंग है जिसमें इंजीनियर था पढ़ा लिखा, वो सुनियोजित ढंग से हुआ था। पूरे भारत की मॉब लिंचिंग के इतिहास देखेंगे तो उसमें दबे कुचले डिप्रेस कास्ट जो मुस्लिम हैं वही उसके जद में आ रहे हैं। तो ये तो अच्छा मौका है। अब मोदी जी को इस वक्त जो है वोट भी चाहिए और पसमानदा की बड़ी आवाज़ भी लगा रहे हैं, तो और अच्छी बात है। मोदी जी आपकी सरकार भी है, बड़े ऑर्डिनेंस आते हैं, एक ऑर्डिनेंस ये भी ले आइए, ये सारे डिमांड से कहा था कि ये जो गौरक्षक है ना, ये उगाही करते हैं, सब क्रिमिनल है, ये ओपन हो चुका है, हरियाणा की पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है, ये उगाही का गैंग है, गुंडा गैंग है, आतंकवादी गैंग है ये। इस पर अगर कानून आप नहीं बनाएंगे तो ये समाज को आतंकित कर देगा। अब अंजाम क्या होगा, बिहार में जैसे वो बना था जातिवादी, जब लड़ाई चली थी
तो वो जो मुखिया था वो एक संगठन बनाया था, परमेश्वर मुखिया ने जो बनाया था, तो उस टाइप का अगर बनने लगेगा तो फिर काउंटर काउंटर गिरोह बनेगा, तो पूरे देश में गिरोह बन जाएगा। ठीक है, रणवीर सेना, तो ये रणवीर सेना, तनवीर सेना, किसी दिन रहीम सेना, राम सेना, यही बनना है क्या? मतलब भारतीय सेना कोई काम नहीं करेगी? ये क्या देश में हो रहा? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये ग्रुप बनाना बंद कीजिए, आप फला सेना, हिंदू सेना, ये क्या ड्रामा भाई? सुप्रीम कोर्ट तो सरकारों को बहुत पहले ही बोल चुका है इस पे कानून बनाएंगे मॉब लिंचिंग। अब ये राज्यों में है भी, राजस्थान और बंगाल, ये यही अब इनके सवाल का जवाब मिलेगा। हमारे जो मुस्लिम संगठन है बड़े बड़े, जिनके पास सब कुछ है, संपन्न जो है, उनको चाहिए सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी पर, इस चीज को किसी बड़े वकील के जरिए लगातार याद दहानी, सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया जाए। आपने एक टिप्पणी की थी महान योर ऑनर, उस पर सरकार अमल नहीं कर रही है, और फिर टिप्पणी आएगी, फिर टिप्पणी आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे लोग भी पैसा चंदा कैसे हो, इसके लिए हो हंगामा, अखबार में फ़ोटो छोड़ाया कोई और वकील लड़के, तो फलां कारी साहब को भी हमने ही छुड़ा लिया, फलां मौलाना को भी हमने छुड़ा लिया, ये सब भी खेल हो रहा है यहाँ इस देश में। अभी जो धर्मांतरण के फर्जी आरोप में हमारे दो तीन लोग बंद थे, जिसमें कलीम सिद्दीकी साहब को छुड़ाया किसी और ने, अखबार में किसी और तंजीम ने बयान भी जब छपा दिया कि हमारी मेहनत से छूटा, मतलब आपसी लड़ाई सिर्फ टेबल चल रहा है ऐसा। हाँ, यानी क्रेडिट लेने की लड़ाई, अरे लिल्ला अल्लाह के वास्ते चल रही है, कौन क्रेडिट? मैं भी 20 साल से सड़क पे घूम रहा हूँ, मैंने तो न कोई सुरक्षा लिया, न कोई गार्ड लिया, न कोई गाड़ी ली, न कोई कमरा लिया, न कोई किसी से चंदा लिया, न किसी से कभी मांगा भी नहीं, और न क्रेडिट लिया। ये पसमांदा और असराब के प्रश्न पर बढ़ता हुआ मुस्लिम समाज क्या कहीं टकराव ही इनका आपस में? नहीं 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 नहीं, नैरेटिव थोड़ा गलत सेट हो रहा। पसमांदा और अशराब के बीच बंटता हुआ कोई समाज नहीं है। नहीं नहीं, वर्ग तो है वो, तो जैसे धोबी है तो धोबी ही नहीं कहेंगे आप, वो चाहे हिंदू और मुस्लिम हो उससे क्या मतलब है, धोबी तो धोबी है, ललबेगी है, चमेला है, नट है, बक्खो है, डफाली है, बंजारा है, मिर्यासी है, मिर्शी, जो सेक्शन है हमारे यहाँ मुस्लिम भंगी है बदाफ्ता, मुस्लिम हमारे यहाँ मोची है बदाफ्ता, मुस्लिम डोम आपने देखा होगा, मीरासी हमारे यहाँ गाना बजाने वाले सारे सेक्शन है, तो जो सेक्शन उधर है खटीक हमारे यहाँ बदाफ्ता, उधर भी खटीक, इधर भी खटीक, तो उधर के खटीक को जो चीज़ दे रहे हैं वो इधर के खटीक को, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। अब इसको आप अगर मोदी जी ने कह दिया क्या कहते हैं पसमांदा, तो आप कह रहे हैं हमको तोड़ रहा, और उससे 30 साल से तो हम कह रहे हैं, हमको भी आप कह रहे थे तोड़ रहा। अरे भैया, जो सेक्शन वाइज जिसका जो अधिकार है संविधान में वही तो मांग रहे हैं। मस्जिद में हम तुमको खींच के कहीं से बाहर तो नहीं कर रहे किसी तंजीम को? आज तक कभी देखे पसमांदा का 500 आदमी किया किसी जमीयत या जमात या किसी के हमला बोला? नहीं भाई, वो अपने हक अधिकार की बात करता है, मजहबी हुकूक, समाजी हुकूक और आइनी हुकूक की हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें तोड़फोड़ उन मुल्ला मौलानाओं में खुद है, उनको मसलक से पेट नहीं भरता है तो मशावरत को 3 टुकड़े कर देते हैं, वो जमीयत को 2 टुकड़े कर देते हैं, वो जमात को 2 टुकड़े कर देते हैं, वो तो मशावरत को 2 टुकड़े कर देते हैं, उनको ना बोली आप समझाइए, वो सब 2 टुकड़े 3 टुकड़े वो कर रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं। मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, सीमित मुसलमानों का विरोध और न्यायपालिका की खामोशी, अभी देखे ना UCC पर सब हंगामा मचाए हुए है ना, लेकिन आज तक पसमांदा के अधिकार को लेके इन्होंने 341 पर कोई धरना दिया? अब सवाल करेंगे तो बोलेंगे आप ऐसा क्यों करते हैं। मैं इन मौलानाओं से ना पूछूं क्या आप 341 पर कभी सब धरना प्रदर्शन आपने नहीं किया, और पसमांदा पर कभी आप बोले नहीं, और UCC पर हंगामा करने लग गए, तो ये खुद धर्म का एंगल बनाते रहते हैं, जज्बाती मुसलमान को जज्बाती बनाकर और इलेक्शन तक पहुंचा देना, इलेक्शन के बाद कहना हम क्या करें मोदी जी जीत गए मरो।